विवेक, समर्पण भावना और सभी को साथ लेकर चलने और परिवार को संवारने की बात कही जाए तो ये महिलाओं की पहचान है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा मेहनतकश होती हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात काफी कम है। घटना लिंगानुपात चिंता का विषय है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। ये बात प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने रविवार को धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। परमार ने कहा कि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन मुहिम परिवार और समाज से चलानी होगी ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि शादी के लिए लड़कियां ना मिलें और उसके दुष्परिणाम भी होंगे। परमार ने कहा कि निर्भया जैसे मामलों के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लड़कियां कम होंगी तो अत्याचार बढ़ेंगे और निर्भया जैसे मामले होंगे। 2 साल 2 माह की बच्चियों और 60 वर्ष की महिलाओं को लेकर नजर और नजरिया बदला है। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं। इस दौरान जहां बेहतर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, वहीं अच्छे अंकों से 10वीं व जमा 2 की परीक्षा पास करने वाली बेटियों को भी प्रोत्साहन राशि देकर सम्मान दिया गया। मुझे आज इस जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा संदेश तो यही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत मेहनतकश हैं। विवेक की बात की जाए, जहां पर समर्पण की भावना की बात की जाए, या जहां पर सभी को एक परिवार को संवारने की बात की जाए, तो वो हमारी बहनों की एक पहचान है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो रेशो है वो बहुत कम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कानून बना सकती है, परंतु मुहिम जो है वो परिवार से स्वयं से चलानी होगी ताकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी करने के लिए लड़कियां ना मिलें और उसके दुष्परिणाम भी हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू, जहां आपके बच्चों को मिलेगा सुनहरा भविष्य। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों की सीट बुक करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू।